हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्वेश्चन नंबर 26 से मैं करवा रहा हूँ आपको, जहाँ ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट a² / 4a² / 4 टू द कर्व। कर्व क्या गिवन है भाई, √x + √y = a। इक्वेशन है, फर्स्ट डाल दे। अरे पॉइंट ये गिवन रहा हमारे पास 1, 2, 3, 4 नंबर में नहीं है, तो क्या हो गया, a में है, एक ही टर्म्स में यूज कर देंगे हम। तो सबसे पहला काम तो क्या है आपका, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2√x हो जाएगा भाई, प्लस रूट वाई का करोगे तो 1/2√y हो जाएगा, और इनटू में y का डेरिवेटिव dy/dx बन गया, इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हमें तो dy/dx लेना है, तो 1/√y (dy/dx) - 1/√x आ गया। 2√y है वो इधर मल्टी ना डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, dy/dx = -1/√x (2√y, 2 से 2 डिवाइड, -√y/x आ गया। हमें तो dy/dx किस पॉइंट के लिए लेना है, पॉइंट के लिए किसके लिए लेना है भाई, @a² / 4a² / 4। जब कोऑर्डिनेट सेम है तो डिवाइड हो ही जाना है, ये फिर भी रख दो वैल्यू, a² / 4a² / 4 ये डिवाइड हो गए, -1 के इक्वल आ गए। ये आपकी dy/dx आ गई, पासिंग पॉइंट है आपके पास, टेंजेंट फाइंड करनी है, तो y - y1 a² / 4 है = dy/dx - 1 है, (x - x1) / a² / 4 है भाई। तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ से, y - a² / 4 = -x + a² / 4। x को इधर ले आओ, x + y बन गया, a² / 4 को उधर भेज दो, a² / 4 + a² / 4 बन गया, जो कि 2a² / 4 आके और आपके पास a² / 2 बन गया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 को इधर भेज दो, इधर भेज दोगे तो 2x + 2y = a², ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड होगी। तो ये नहीं कि 26 पे पहुंच गए तो बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है वे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, शो दैट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स। मतलब आपके पास यहाँ पे आंसर भी गिवन है, (x²/a² + (y²/b² = 1) ये कर्व गिवन है जो कि इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, @x1, y1 की बात कर रहा है, और क्वेश्चन में गिवन है कि इस पॉइंट पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना वो आपकी ये आनी चाहिए भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो ये प्रूव करके दिखानी है। पॉइंट क्या है, (x1, y1) कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पॉइंट फाइंड नहीं करना, अगले ने ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट (x1, y1) लेना है। तो अपना तो सबसे पहला काम क्या है, इसका डेरिवेटिव करना है भाई, कर दो डेरिवेटिव, 2x / a² + 2y / b² · dy/dx = 0। तो अपना टारगेट तो इधर dy/dx रखना है ओनली, तो dy/dx = पहले तो माइनस का 2x / a² उधर बनेगा, और इधर से जब ये मल्टीप्लाई से ले जाओगे तो b² · में चला जाएगा, 2y है वो डिवाइड में, 2 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा, dy/dx कहलाएगा माइनस का b²x / a²y। क्लियर है भाई यहाँ तक। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ में इसमें हमें लेना है कहाँ पे, dy/dx को लेना है किस पॉइंट पे भाई, @x1, y1 पे लेना है। तो (x1, y1) की बात करूँ तो माइनस का b²x / a²y1 हो गया, तो ये आपके पास फाइंड हो गया क्या, dy/dx। हमें फाइंड क्या करनी है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट (x1, y1) एंड उस स्लोप इज, स्लोप क्या आ गई, -b²x / a²y1। अब जैसी आ गई वैसी यूज तो करनी है भाई, y - y1 = dy/dx -b²x / a²y1 (x - x1). क्लियर है भाई। अब यहाँ से देखिए आपको जो प्रूव करना है, क्या करना है भाई,
आपको जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग अगर पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दें हम लोग, इसके डिवाइड में ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर आ रहा है, तो ए स्क्वायर को तो यहीं रखना पड़ेगा, इधर नहीं भेजना है भाई, एक तो ये ध्यान रखना है। इधर जाएगा तो क्या जाएगा, बी स्क्वायर जाएगा, तो एक तो वाई माइनस वाई वन अपोन में बी स्क्वायर चला जाएगा भाई, ए स्क्वायर इधर रहना है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एक्स एक्स वन होना चाहिए और वाई वाई वन होना चाहिए, तो दूसरा वाई वन है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाई, तो इधर क्या रहेगा अपना, माइनस का एक्स वन अपोन ए स्क्वायर रह गया, इन टू में एक्स माइनस में एक्स वन है। बोलिए यहाँ तक कोई परेशान नहीं हो तो ऐसा कर लेते हैं, तो देखिए इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, वाई वाई वन अपोन में बी स्क्वायर बन गया, माइनस वाई वन स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम को सेपरेट कर दो, तो माइनस का एक्स एक्स वन अपोन ए स्क्वायर हो गया और प्लस का एक्स वन स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर हो गया। अब आपको जो प्रूव करना है एक बार उस पॉइंट पे जाइए, एक्स एक्स वन अपोन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपोन बी स्क्वायर है भाई दोनों टर्म, तो इसको लेफ्ट में ले आओ, इसको लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये बन गया एक्स एक्स वन अपोन ए स्क्वायर प्लस का और प्लस का वाई वाई वन अपोन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, राइट में ऑलरेडी एक्स वन स्क्वायर अपोन ए स्क्वायर है और प्लस में इधर से चला गया वाई वन स्क्वायर अपोन में बी स्क्वायर हो गया। इसको आप लोग डाल दो भाई, इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दो, क्योंकि हमें तो यहाँ पे वन चाहिए, क्या चाहिए भाई वन। ये जो पॉइंट गिवन था एट एक्स वन वाई वन, ये कहाँ है, ये इस कर्व का टेंजेंट का कॉन्टेक्ट पॉइंट ही तो है, तो इस कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से मैं इस तरफ लिख रहा हूँ भाई, एक्स वन वाई वन रख दो, तो ध्यान दो एक्स वन स्क्वेयर अपोन ए स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर अपोन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू वन कहलाएगा या नहीं। इसको मैं डाल दूँ इक्वेशन नंबर फोर्थ, यही हमने थर्ड डाला था, बीच में सेकेंड रह गई, इसको सेकेंड डाल लो, ये थर्ड ये लास्ट हो गई, तो एक्स वन स्क्वेयर अपोन ए स्क्वेयर प्लस वाई वन स्क्वेयर अपोन बी स्क्वेयर तो किसके इक्वल है वन के, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड ए थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की हेल्प से ये इक्वल्स टू क्या प्रूव हो जाएगा, वन के इक्वल आ जाएगा। तो इलिप्स का कोई भी क्वेश्चन हो, इलिप्स के हर क्वेश्चन के अंदर ये रिजल्ट तो यूज होना है, वो पॉइंट जहाँ भी गिवन होगा उसमें ये कंडीशन वन के इक्वल उसमें सब्स्टिट्यूट होगी, तभी उसका आंसर आ पाएगा। तो नेक्स्ट में आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल फाइंड करवा रहा है, जब पॉइंट रूट टू ए और बी गिवन है हमारे पास, तो इसमें भी यही है कि लास्ट में रूट टू ए और बी को पुट करके जो रिजल्ट आएगा वो उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाए भाई। तो 27 का फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड है वो आप खुद ट्राई करोगे, कहीं पे दिक्कत हो तो बता दोगे भाई। नेक्स्ट अपने पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल्स टू log ऑफ x एट पॉइंट e1, x की वैल्यू e लेनी है, y की वैल्यू 1 लेनी है। अरे कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करवा ले चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करवा ले, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, पॉइंट गिवन है तो dy बाई डी एक्स फाइंड कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई 1/x, हमें किस पॉइंट पे लेना है e1 पे, e का मतलब x, 1 का मतलब y, हमें तो x चाहिए बस, तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट e1, तो इस पे क्या बन जाएगा ये 1/e आ गया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, पासिंग पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं नॉर्मल कह रहा है, चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या कर देंगे, y माइनस में वाई वन, अब वाई वन यहाँ पे कितना है 1 है, dy वाई बाई डी एक्स 1/e है, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस ई आ गया, e से इधर मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाएगा ई वाई माइनस ई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस में ई हो गया, यही बनेगा, और यहाँ से क्या बन गया आपका माइनस एक्स प्लस ई वाई, और ई से आपका क्या हो गया ई कैंसिल हो गया भाई, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमने तो टेंजेंट के रूल अप्लाई कर दिया भाई, किसका रूल ले लिया, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, नॉर्मल नहीं, जल्दबाजी में अक्सर ये गलती हो जाती है, इस पर आप लोग ध्यान रखें,
हमें तो बतानी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के लिए वाई माइनस में वाई वन, वन है आपका माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो वन अपॉन में ई लोगे तो वन अपॉन ई न्यूमरेटर में चला जाएगा और एक्स माइनस में ई आ गया, ये बनेगा भाई वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस का ई एक्स हो जाएगा और प्लस का ई स्क्वेयर बन गया, तो ई एक्स को इधर ले आओ, ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई स्क्वेयर प्लस वन बन गए। तो यहाँ इस मानने से दोनों फाइंड हो गए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड हो गई और इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल भी हो गई। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 29 अपने पास, शो दैट द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन टचेज द कर्व वाई इज इक्वल्स टू, कर्व गिवन है भाई बी इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में, ये कर्व गिवन है। एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसिस द एक्सिस ऑफ वाई, ये कह रहा है कि ये कर्व है ना ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, क्या भाई वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो आपसे ये कह रहा है कि जो लाइन है वो इसको टच कर रही है उसकी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्रूव करनी है वो ये आनी चाहिए भाई, अगर ये आ गई तो ये समझो कि आपके पास ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। कब कह रहा है क्रॉसिंग दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो आप यहाँ पे लिखोगे कर्व फेस्ट क्रॉसिस दी वाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट मस्ट बी जीरो, तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी, देन y इज इक्वल्स टू y क्या बनेगा भाई यहाँ से x की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो b इंटू ई रेज टू द पावर जीरो बन गई जो कि b के इक्वल आ गया भाई, और b के इक्वल आ गया तो यहाँ से जो पॉइंट बन गया वो हमें मिल गया जीरो b, क्या मिल गया भाई जीरो b, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर दो dy वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, b तो कॉन्स्टेंट एज इट इज़, e की पावर कितनी भी हो एज इट इज़ आएगी भाई, इनटू में पावर का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस का वन अपोन a हो जाएगा क्योंकि x अपोन a है ना माइनस वन अपोन a, आपको dy वाई बाई डी एक्स किस पॉइंट पे लेना है, आपको लेना है जीरो b पे, तो x की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो ये बन गया माइनस का b अपोन a इंटू e रेज टू द पावर जीरो जो कि वन होता है माइनस b अपोन a आ गया। तो देखिए dy वाई बाई डी एक्स आ गया, पॉइंट आ गया, तो क्लियर है कि हम लोग यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर देंगे भाई। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना y माइनस वाई वन, वाई वन तो क्या है b है भाई, dy वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन क्या है जीरो है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर दो भाई इसके अंदर b को तो इधर भेज दो और a को वहाँ रख लो, b अगर इधर डिवाइड में आएगा तो देखिए क्या लिखा गया y अपॉन b माइनस b अपॉन b वन हो गया इक्वल्स टू माइनस का x अपॉन में a रह गया, तो x अपॉन a को लेफ्ट में ले आओ वन को राइट में भेज दो तो x अपॉन में a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू वन बन गया। तो ये वही तो लाइन है जो इस कर्व को टच कर रही है, कहाँ टच कर रही है जब ये कर्व y एक्सिस को क्रॉस कर रही है, तो कहने का मतलब यही है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करवा रहा है या प्रूव करवा रहा है वो ये लाइन आनी चाहिए। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है भाई अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 में अपने पास ये कह रहा है शो दैट द कर्व कट एट राइट एंगल इफ, अब की बार टू कर्व गिवन है भाई, 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे, और सेकंड जो कर्व है उसको इधर मैं साइड में लिख रहा हूँ 2xy इज इक्वल्स टू k, ये सेकंड कर्व है। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट कर्व कट एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब कि ये दोनों कर्व है ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए भाई, जहाँ भी ये कट करे वहाँ एक दूसरे पे क्या हो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। इफ़ क्या कंडीशन है k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, जब भी टू कर्व या टू लाइन परपेंडिकुलर की बात आती है तो क्लियर है कि क्या होना चाहिए उनकी स्लोप का प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल हो भाई, हम तो ये रिजल्ट अप्लाई कर सकें, तो क्लियर है कि इन दोनों की क्या चाहिए स्लोप चाहिए,
तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर दो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2 इज इक्वल्स टू 2 वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन गया भाई। क्यों भाई? तो क्या बना? 2 अपॉन 2 वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो 2 से 2 डिवाइड, यहाँ से आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो 1 अपॉन में वाई के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन में वाई के इक्वल आ गया। इधर से हमारे पास सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 2 इंटू में एक्स इंटू वाई है भाई, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। एक्स को एज इट इज़ रखा तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस वाई को एज इट इज़ रखा तो एक्स का डेरिवेटिव 1 बन गया इज इक्वल्स टू, के तो कांस्टेंट है 0 हो गया, तो 2 भी उधर जाके 0 हो जाएगा। एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का वाई बन गया, और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन में एक्स हो गया। ये अपने पास सेकेंड कर्व से डेरिवेटिव आ गया। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आके खड़ी हो गई है, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के इक्वल रखें तो ये तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है भाई, एक्स और वाई में आएगा हमारा रिजल्ट, के तो गायब है भाई यहाँ से। तो करेंगे क्या आप लोग यहाँ से, कि हमें ये करो जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है उसका पॉइंट भी तो चाहिए। क्या चाहिए हमें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का पॉइंट बताना है तो यहाँ से देखिए 2x किसके इक्वल है? वाई स्क्वेयर के। तो 2x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ 2x की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2x को वाई स्क्वेयर रख दिया मैंने, वाई स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल्स टू के। तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू के एंड वाई इज इक्वल्स टू के रेज टू द पावर 1/3। ये तो वाई की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट कर्व में पुट कर दो 2x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर है, के रेज टू द पावर 1/3 का स्क्वेयर है। तो क्या बना यहाँ से? 2x इज इक्वल्स टू के रेज टू द पावर 2/3। हमें तो ओनली x चाहिए तो x क्या बनेगा? 1/2 के रेज टू द पावर 2/3। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास, वो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए भाई यहाँ से? पहले x, 1/2x रेज टू दी पावर 2/3 और k रेज टू दी पावर 1/3। ये चाहिए आप डेरिवेटिव से पहले इसको फाइंड कर दो, बाद में डेरिवेटिव कर दो, चाहे पहले डेरिवेटिव करके ये फाइंड कर दो। तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ पे आप लोग फाइंड कर सकते हो कि dy वाई बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, फर्स्ट का फाइंड करोगे y पुट कर दो, सेकेंड का करोगे तो y और x दोनों को पुट कर दो भाई। उसके बाद या फिर ऐसा कर दो कि इनकी स्लोप आई है जहाँ पे आप सोल्व करो वहीं पे इनकी वैल्यू है वो पुट कर देना भाई। तो आप यहाँ लिखोगे कर्व फर्स्ट एंड सेकंड आर कट एट राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज माइनस वन। तो इफ एंड ओनली इफ इनकी स्लोप का प्रोडक्ट क्या क्या आई है भाई? 1/y इंटू में माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन। क्यों भाई? क्या बना यहाँ से हमारे पास? माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया भाई, वाई से वाई डिवाइड हो गया, 1/x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब एक्स क्या है? एक्स की वैल्यू आई है क्या? 1/2, एक्स की वैल्यू 1/2, क्या बनेगा भाई? 1/2। और क्या है? एक्स रेज टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 है। आप इसका रेसिप्रोकल लोगे देखिए 1/2 का, तो 2 तो आपका चला जाएगा कहाँ पे भाई? न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 न्यूमरेटर में चला गया, अपॉन में एक्स रेज टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1 है। तो क्या बना यहाँ से? इफ एंड ओनली इफ 2 इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू दी पावर 2/3। आपकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है इसके अंदर ये ध्यान दे सकते हो आप लोग। कंडीशन में हमसे ये इसमें कह रहा है भाई इफ एंड ओनली इफ क्या आना चाहिए? के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 8 आना चाहिए। तो क्यूब ऑन ए बोथ साइड, क्यूब कर दोगे तो इधर तो 8 बन गया, उधर आपका क्यूब रूट से 3 डिवाइड हो गया, तो क्या रह गया? के स्क्वेयर रह गया, के में है भाई।
के रेज टू द पावर 2/3, तो क्या बन गया के स्क्वेयर। तो इफ एंड ओनली इफ के स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आ गया 8 आ गया। ये के को यहाँ पुट कर लो, के को आप चाहे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर दो, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आने के बाद डेरिवेटिव कर दो, साथ साथ वाई की वैल्यू रख दो, वाई और एक्स की कर दो, ये रखने के बाद आगे यहाँ प्रोडक्ट में के की टर्म्स में आ जाएगा और ये कंडीशन आपकी प्रूव हो जाएगी। क्योंकि ऐसा ही बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन है, वो आपके पास 32 का है भाई, 32 है, वो भी सेम एज क्वेश्चन नंबर 30 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच कट एट राइट एंगल। तो सबसे पहले तो ये कर्व है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, उसके बाद इनकी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर दो, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल रख दो, वहाँ से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा भाई, हमारे पास पी की वैल्यू आएगी। अब नेक्स्ट आपका 31 का भी क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, 30, 31, 32, 3 के 3 क्वेश्चन लगभग एक जैसे हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा बस फर्क है, फाइंड दी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी कर्व, टू कर्व गिवन है, ये कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच जो बना हुआ एंगल है वो आपको बताना है। तो मैं इसमें पहले शुरुआत कर रहा हूँ कहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही पहले फाइंड कर लेते हैं भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर पहले फाइंड कर लें तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लोगे तो ये किसके इक्वल बनेगा भाई, 4x+1 बनेगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है वो 4x+1 बन जाएगा, और ये पुट कर दो कहाँ पे, सेकंड में, तो सेकंड में ये पुट कर दो तो यहाँ से क्या बना, 4x+1 -2y -9 = 0 बन गया। नेक्स्ट आपका बन गया 4x - 2y = 8 हो जाएगा, 2 से इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 2x - y = क्या बन गया, 4 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो या x की वैल्यू फाइंड कर लो, y फाइंड करते हो तो 2x - 4 = y आ गया, y = 2x - 4 के इक्वल आ गया। y की वैल्यू कर्व फर्स्ट में पुट कर दो या कर्व सेकंड में पुट कर दो तभी x की वैल्यू आ पाएगी, क्योंकि वो वन वेरिएबल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे y को किस में पुट कर रहा हूँ, कर्व फर्स्ट में भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2x - 4 का होल स्क्वेयर, माइनस का 4x हो गया और -1 = 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x² प्लस का हो गया 16 और माइनस का बन गया भाई 16x - 4x - 1 = 0 हो जाएगा। तो क्या बना यहाँ से, 5x² हो गया, माइनस का 20x बन गया, प्लस का 15 आ गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ कंप्लीट को तो x² माइनस का 4x + 3 = 0 बन गया। क्यों भाई, अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए आप फैक्टर्स करते हैं तो -1 और -3, x - 1 × x - 3 = 0, आइदर x = 1 और x = 3। अब x की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले रहे हैं तो यहाँ से y देखिए क्या बनेगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो मैं 2 - 4 हो गया, जो कि हमारे पास -2 बन गया अभी। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट कर दें हमारे पास तो y = है वो बनेगा 2 × 3 = 6 - 4 = 2 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डबल आ गए, क्या आ गए हमारे पास से डबल आ गए, 1 - 2 आ गया और 3 - 2 आ गया। तो अब आपको यहाँ पे इनकी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कर्व फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट अगर डेरिवेटिव कर दिया जाए तो कर्व फर्स्ट से बनेगा आपका 2x + 2y (dy/dx) -4 - 0 = 0, 2y (dy/dx) = क्या बन गया, 4 - 2x हो गया, dy/dx = बन गया क्या, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 - x / y आ गया, इक्वेशन नंबर 4th डाल दो इसको भाई।
ऐसे ही आप इधर डेरिवेटिव कर लाओ, कर्व सेकेंड का, सेकेंड का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट कर दूँ तो ये बनेगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस में 2 इंटू में डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल है, डेरिवेटिव आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लूँ तो 2y माइनस में 2, या 2 भी साथ कॉमन ले लूँ, मैं 2 को कॉमन ले लिया, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, इंटू में वाई माइनस में 1 बन गया और उधर माइनस का 2x बन गया। 2 से आपका 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा माइनस एक्स अपॉन में वाई माइनस में 1 बन गया, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी है, पॉइंट भी है हमारे पास, तो इससे आपके पास जो डी वाई बाई डी एक्स है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अलग अलग है, पॉइंट्स आपको यहाँ पे उठाने हैं। फर्स्ट में मैं ले रहा हूँ भाई एट 1 माइनस 2, कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 की बात करूँ तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, एक्स की वैल्यू 1 लेनी है, वाई की वैल्यू माइनस 2 लेनी है, तो एक्स की वैल्यू 1 रख दूँ तो 2 माइनस 1 2 हो गया, वाई की वैल्यू है 2 माइनस 1 1 आ गया भाई, और नेक्स्ट आपका वाई की वैल्यू माइनस 2 है जो कि माइनस 1/2 आ गया, जिसको मैंने एम 1 से लिख दिया। ध्यान होगा ना, प्लस 1 में स्लोप को एम 1 एम 2 से रिप्रेजेंट कर लेते थे। ऐसे ही इधर से अगर डी वाई बाई डी एक्स मैं फाइंड करता हूँ, किस पे भाई, एट 1 माइनस 2 पे, तो एक्स की वैल्यू 1 लेनी है हमें तो माइनस का 1 हो गया, वाई की वैल्यू माइनस 2 लेनी है तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 बन गया, जो कि 1/3 के इक्वल आ गया। इसको मैंने एम 2 से लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए आप कि आप इसके अंदर लिख लोगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन कर्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ध्यान होगा प्लस 1 का आपका टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोड ऑफ एम 1 माइनस में एम 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एम 1 इंटू एम 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारे पास एम 1 और एम 2 की वैल्यू है वो इसमें हम पुट कर देंगे। तो ये पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए क्या बनेगा आपका, यहाँ से एम 1 क्या लिया आपने, माइनस का 1/2, एम 2 माइनस 1/3 डिवाइड बाई 1 प्लस एम 1 है माइनस 1/2 इंटू एम 2 क्या है, 1/3 है भाई। तो यहाँ से इसको आगे सोल्व करेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए आप लोग क्या बना आपके पास, 2 और 3, एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, 6 बन गया भाई, 6 बन गया, तो यहाँ से 2 डिवाइड हो गया तो माइनस का 3 बन गया और 3 से ये माइनस का 2 बन गया, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/6 आ गया, तो क्या बनेगा, मोड ऑफ माइनस 5/6 अपोन में 5/6 हो गया, ये इससे डिवाइड हो गया, मॉडुलस में माइनस का 1 आ रहा है तो 1 के इक्वल बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, और 1 के इक्वल है तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 10π/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा भाई। ऐसे ही बिल्कुल सेम आप काम करोगे तो आपका किस पे आएगा भाई, जैसे ही आपका ये सेकंड पॉइंट है 3 2 रख लोगे तो उसकी हेल्प से भी आप अपने डी वाई बाई डी एक्स दोनों एम 1 एम 2 फाइंड कर दो और टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। 31-2 का मैंने पहले ही बता दिया, क्वेश्चन नंबर 30 की तरह से है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो, और ये तो लास्ट के 3 के 3 क्वेश्चंस में करना है भाई, क्या करना है, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, उसके बाद इनका डेरिवेटिव कर दो, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो पुट करके डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। उनमें राइट एंगल पे कह रहा है, परपेंडिकुलर कह रहा है, तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट है वो ले लो माइनस 1 के इक्वल, और यहाँ पे अपने पास इसमें क्या है, एंगल फाइंड करवा रहा है, और एंगल फाइंड करवा रहा है तो टेन थीटा का जो फॉर्मूला है जो प्लस 1 में रीड किया था हमने, इसका यूज कर दो, जिसकी हेल्प से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज 8.2 थी, कंप्लीट होगी, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे।